ऐसे ही सारे सूरत हाल में हम देखें कि सियासी जमातों ने कराची में कौमी और सूबाई असम्बली की मुतादिद नशस्तों पर ताजर और सनतकारों को नामजद किया है। इन सियासी जमातों में पीपल्स पार्टी, एमकेएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी, जीडीए, मुस्लिम लीग नूर काम पाकिस्तान पार्टी और दीगर जमातें भी शामिल हैं। तो इस ट्रेंड्स को हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो किस तरह से देख रहे हैं, सब योर टेक ऑन इट। ना मुझे लग रहा है अभी जो माजद के साथ अभी बात हो रही थी कि जो हमारे प्लानर्स हैं उन्होंने प्लानिंग की है, नहीं की प्लानिंग। अभी देखें सिंध को आप देख लें, यूनाइटेड सिंध को देख लें, जब ये बम्बे और कराची एक था, बम्बे में उन्होंने बम्बई या मुंबई जिसको कहते हैं उन्होंने वहाँ टाउन प्लानिंग करके ओवरऑल शहर को बड़ी हद तक ठीक कर लिया था। हमारा ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम को कभी देखा ही नहीं गया। उसकी वजह यह है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि लोग ये कहा करते थे कि जी कराची का मौसम आबो हवा ऐसी है कि यहाँ पे तो बारिशें नॉर्मल हालात पे भी नहीं होती। लेकिन आप देख लें दुनिया तब्दील हो रही है, क्लाइमेट चेंज। आप देखें कल सऊदी अरब में कोई सोच सकता था बारिश तो बारिश वहां पे, रियाद में बाकी जगहों पे इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है, तो यहाँ इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। मेरा अपना ख्याल है कि इस पे तवज्जो देने की जरूरत है, टाउन प्लानिंग सिटी प्लानिंग के लिए आगे आना चाहिए जो एक अरसे से नहीं हो रहा। अब सवाल जो आप पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है एक बड़ा खुशाइंद इजाफा है हमना कि ये ताजर बरादरी, ट्रेड बरादरी को जिस तरीके से स्टेक होल्डर के तौर पे सामने लेके आए हैं लोग कि जी ये भी आए इसमें पार्टिसिपेट करें, इलेक्शन लड़े। तो मेरा ख्याल है जिस तरह सियासी लोगों पे तो शायद बावजूद इस बात के लोग पोलिटिसाइज हैं, जिस अंदाज से मार्जिनलाइज लोग हैं वो तो जो पार्टियां उनको कहती हैं वो उनकी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन इस दफा उन पे भी जिम्मेदारी आएगी, उनका भी अपना बहुत बड़ा स्टेक है कि किसी तरीके से वो शहर को इस तरह बेहतर करें, क्योंकि कारोबार नहीं हो रहा, तबाही फिर रही है हर तरफ अब सियासी हालात की वजह से। और फिर से पहले आप देख लें एक अरसे तक जो कराची शहर जिस अंदाज से हमने देखा इलाकाई तंजीमें और दूसरे लोग इसको किस तरह एक्सप्लॉइट करते रहे, तो मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि अब ये कराची में बिजनेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने का तो बड़ा वाजे तौर पे मतलब यह है कि ठीक है किसी हद तक तो ये नो कॉन्फिडेंस तो है ना माजर के साथ पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों पे, और ये अगर आते हैं अपना रोल प्ले करते हैं मेरा ख्याल है डेफिनेटली इसका एक अच्छा असर पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।